आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है और पोटेंशियल भी सबको पता है आज हम इनका रिलेशन समझ के देखेंगे आपस में होता क्या है उसके लिए आपको दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बनाने पड़ेंगे और दोनों को कुछ डिस्टेंस सेपरेट से कर दो जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है आप ए पॉइंट को देखो ए पूरा एक सर्फेस है और वो है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इसके जस्ट हाइट पे अगर आप थ्री में इमेजिन कर सको तो जस्ट इसके कुछ ऊंचाई पर एक बी नाम का इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है राइट अब मैं अगर वी

इन दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल को निकाल चुके हैं एक बार फिर से मैं समझा दू आपको देखो पूरे सर्फेस पर जो पोटेंशियल होता है तो यहां पे कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा वो आप डीवी इसमें से माइनस कर लो हाइट पे जाने की वजह से कुछ पोटेंशियल कम हो गया तो अगर वीवी -वी की वैल्यू देखोगे तो वो होगा वी माइनस का डीवी राइट अभी आपने निकाल लिया जरा रिलेशन समझने की कोशिश करें अब हम बात करेंगे वर्क डन का ठीक है क्योंकि होता ही है सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अगर आप मान के देखो कि ये जो DR है ना ये जो डी आर बनाया गया है ये इन दोनों सर्फेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने डाल दिया कुछ इस प्रकार से आपका सर्फेस है इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला हुआ है ये ओके चलो अब आप सोच के देखो कि वेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन अलोंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सर्फेस बी टू सर्फेस ए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आप बी वाले सर्फेस से यानी कि ऊपर वाले सर्फेस से नीचे वाले की ओर लेके आते हो यानी कि अगर आप सोच के देखो एक पॉजिटिव चार्ज आप यहां से उठा के आप नीचे वाले सरफेस पे लेके आते हो तो उस टाइम में आपको करना पड़ेगा वर्क और हम उसी वर्क की यहां पे बात कर रहे हैं तो वर्क का फॉर्मूला है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अब आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला आया कैसे तो एक बार आपको मैं समझा दू कफिकेशन के लिए हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन में चार्ज ठीक है ठीक right? okay. है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ओके अब यहां से अगर चार्ज की वैल्यू में वन मान लू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यूनिट मतलब वन तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया फोर्स के बराबर हो गया अब वर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट राइट फोर्स इंटू में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं चेंज इन वर्क की बात करूंगा तो तो यहां पे फोर्स की जगह मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस नहीं कर सकता मान लो कि मैं ये बोलूं कि ये यूनिट पॉजिटिव है इसकी वैल्यू हट गई तो तो साइन तो तो है ठीक है आप सरफेस बी के अगेंस्ट काम कर रहे डायरेक्शन ऊपर की ओर है फील्ड ऊपर की ओर है लेकिन चार्ज आप नीचे की ओर लेके आ रहे हो ठीक है तो इसलिए यहाँ पे सिंबल जो है वो नेगेटिव निकल के आया चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा E इज इक्वल टू स वी बी राइट ये बात सबको पता है ठीक है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकल के आता है ओके okay. अब वी Va ए की वैल्यू तो वी है ठीक है वी ए की वैल्यू हमने निकाली थी और वो है वी कैपिटल वी वेर इज वी बी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो निकल के आया था वी माइनस डेल्टा बी वी माइनस डेल्टा बी ठीक यह है यहां पे मैं लिख देता हूँ वी माइनस डेल्टा वी ये है वीबी की वैल्यू तो आप यार इंडिविजुअल जगह पे वैल्यूज पुट कर लो जैसे वी ए की जगह पुट कर लो वी यहां पे आपको दिख रहा होगा और ये माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा यहां पर माइनस है ठीक है मैं और जोन कर देता हूं आपके लिए और वी बी की जगह पर आप लिखोगे वी माइनस डेल्टा वी ये वाली वैल्यू ठीक है अब आप सोच के देखो इस वी से ये वाला वी कट जाएगा ठीक है इधर मैं क्लीन कर देता हूं ओके तो क्या बच गया यहां पर बच गया माइनस का डेल्टा वी ये माइनस और ये माइनस यहां पे बच जाएगा प्लस का डी वी तो वर्क की वैल्यू आ गई प्लस डीबी वर्क निकल के आ गया प्लस टीबी चलो एक तो ये निकल के आ गया वर्क प्लस टीबी तो ये इक्वेशन नंबर टू हो गया और वर्क हमें पता है कि electric field displacement है ये equation number one है है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन नंबर ऊपर वाला ठीक तो ये हमारे पास अगर आप इन दोनों को कंपेयर कराओगे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर कराओगे तो ईडीआर टू डी वी ठीक है यहां पे निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू डीबी अब यहां से अगर आप ई e की वैल्यू निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये डी आर नीचे चला जाएगा और माइनस सिंबल इधर चला गया तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया मगर सोचने वाली बात यह है कि किसी भी चीज को अगर हम हाइट से डिवाइड करते हैं वेल well, ये एक तरीके का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट है अगर आप किसी भी चीज को हाइट से डिवाइड करते हो तो बन के आता है ग्रेडियंट तो ये हाइट किस में डिवाइड हुआ है पोटेंशियल में तो ग्रेडियंट किसका बनेगा पोटेंशियल का तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मुला तो आप बता सकते हो बहुत इजीली यहां से आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी समझ गए ओके बस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल राइट right? ये चीज समझ गए अब बात करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू दी पोटेंशियल सर्फेस दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है तो अगर आप इसको इंग्लिश के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो यही वाली लाइन आपको समझ आएगी वेल well, आप इतना याद रखना कि जब कभी भी किसी को हाइट से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है ग्रेडियंट यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है तो ये हमारा रिलेशन था किसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इंटेंसिटी क्या है तो ये आपका फिलहाल इंटेंसिटी और ये आपका पोटेंशियल है इनके बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया अगर आप इंडिविजुअल एक्सिस पे ये निकालने की कोशिश करोगे तो एक्स एक्सिस पे निकल के आएगा क्योंकि वहां पर थोड़ा सा पोटेंशियल होगा ठीक है तो यहाँ पे हमने डेल्टा यूज किया अपॉन में डी और इस प्रकार से बाकी इंडिविजुअल एक्सिस पे भी ये सारी वैल्यूज निकल के आ जाती है रिलेशन तो ये था हमारा टॉपिक